Audio Jungle. प्रशासन की ओर से सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी देने के बावजूद भी बच्चा चोरी की अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोई न कोई मामला सामने आ ही जाता है जिसमें बच्चा चोरी की आड़ में किसी आमजन या विक्षिप्त को लोग द्वारा बेवजह धुनाई कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के एकौना थाना अंतर्गत हौली बलिया गांव के पास एक मानसिक रूप से कमजोर महिला घूम रही थी, तभी किसी ने बच्चा चोर की अफवाह फैला दी और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई और महिला को पीटने लगी। सूचना पर एकौना पुलिस ने पहुंचकर भीड़ से महिला को बचाकर पूछताछ हेतु थाने ले गई। मानसिक रूप से कमजोर महिला अपना नाम पता भी नहीं बता पा रही थी। ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में आए दिन देखने को मिल रहे हैं, जब झूठी अफवाह फैलाकर किसी न किसी मानसिक रूप से कमजोर को भीड़ अपना शिकार बना लेती है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक यूं ही आम लोग द्वारा कमजोर लोग पीड़ित होते रहेंगे और कब तक प्रशासन ऐसी अफवाहों पर अंकुश लगा पाती है। देवरिया उत्तर प्रदेश से डॉक्टर केशव नंदमल्ल की रिपोर्ट। जो घटना सुनने को आई है, बिरसिंहपुर पाली दरगाह शरीफ में चोरी की वारदात हुई है और कुछ दिनों पहले व्यापारी संघ ने भी ये आवाज़ उठाई थी। काफ़ी मामला कुछ चला था, चोरी हो रही है बाज़ार में और पुलिस प्रशासन कर क्या रही है मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार ने हर सुविधा उपलब्ध करा के रखा है, पुलिस वालों के पास गाड़ियां हैं, पेट्रोलिंग करने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई गई है। ये काफ़ी प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है। पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि आप लोग नगरवासियों को सुरक्षा दें और ये जो घटना हो रही है इन पे पाबंदी लगाई जाए।